हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी, इसमें मौजूद है मटकोला गांव में। यहां से हम चर्चा करेंगे पूर्व विधायक रामजीलाल डागर से, जो सबसे युवा विधायक बने थे और उस समय वो पढ़ाई कर रहे थे। डागर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपने जब विधायक बने थे कौन से सन की बात है और कौन सी सरकार बनी थी? ये उस समय 72 की बात है, 1972 की। तो उस समय कांग्रेस मसीदा सरकार बनी थी और मैं तो उस समय निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से इलेक्ट करके भेजा था हथीन क्षेत्र में। उस समय हमारे गांव जो बुढ़ेर के जो कुछ गांव थे वो हथीन क्षेत्र में लगते थे। डागर साहब, जब आपको यहाँ आपका चयन किया गया था, जब आप विधायक बने थे, चुनाव लड़ने के लिए जब आपका पंचायत ने फैसला किया था, तो आपको क्या मालूम था कि आपके नाम का फैसला होना चाहिए और हो रहा है, आपके नाम मोहर लग रही है? नहीं, मुझे नहीं था इस बात का पता। हमारे गांव के लोगों ने, सरदारों ने, बड़े बूढ़ों ने, उन्होंने मेरे हक में फैसला किया था उस लड़के को लाएंगे। उनके हमारे पिताजी जीवे थे उस समय, अब तो एक्सपायर हो लिए, हमारे पिताजी नहीं है आज जमाने में। उन्होंने मतलब जो उनको मांगा था कि हमें लड़के को दे दो और हम इनको जो है विधायक बनाएंगे, अपना एक ग्वालिया पैदा करेंगे, एक रखवाला पैदा करेंगे अपने लड़के का। हमारा हक क्या है, हमारा बड़ा काम है, हमारे और भी काम लगते हैं बहुत। तो जब आप बुढ़ेर की तरफ से आप विधायक बने थे जी, आजाद विधायक बने थे, जब आपने समर्थन दिया था कांग्रेस को समर्थन दिया, उस समय आपने कांग्रेस का समर्थन दिया, तो कांग्रेस क्या उस समय आपको बहुत अच्छी लगती थी? मुझे अच्छी लगती थी उस समय कांग्रेस, और कांग्रेस में ही मैंने विश्वास किया था, कांग्रेस जो एक अच्छी देश को जो आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। शायद उस समय डॉक्टर साहब कोई दूसरी पार्टी मजबूत पार्टी नहीं थी उस समय, मजबूत पार्टी कोई नहीं थी, उनकी लीडरशिप किसी पार्टी की नहीं थी, क्षेत्रीय पार्टी का भी इतना वर्चस्व नहीं था उस समय, इनेलो पार्टी का भी वर्चस्व नहीं था उस समय। अच्छा डागर साहब, जो चुनाव होते हैं बहुत खर्चीले होते जा रहे हैं जी, अब तो गाड़ियों की होती है, प्रचार बहुत होता है जी। आपके समय में कितने रुपयों में खर्चा करके आप विधायक बने थे? हो जाता था उस समय बहुत थोड़ा खर्च था, बहुत मामूली खर्च था, लेकिन उस समय जो भी खर्च था, गाड़ियां बहुत थोड़ी थी और गाड़ियां भी तब बुलाई गई थी दिल्ली से, वो टैक्सी थी वो बुलाई गई थी 8-7 दिन पहले, और लेकिन यहाँ जो खर्च हुआ था वो कोई 70 लाख के करीब हुआ होगा। उस जमाने में वो लाख भी बहुत था, वैसे देखा जाए तो उस समय बहुत था वो खर्च भी, क्योंकि वो खर्च भी ऐसा महसूस होता था बहुत ज्यादा है। ये था उस समय। डॉक्टर साहब, जब पहला आपने चुनाव लड़ा था, विधायक बने थे, आज तो ईवीएम मशीन है, तब क्या प्रोसीजर बनाया जाता था? काय का बैलेट पेपर? हाँ जी, हाँ जी, बैलेट पेपर का था कि वो मोहर लगती थी निशान पे, उसको जो है बैलेट पेपर पे ही जो है वो निशान लगता था किसी भी सिंबल पर, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आजकल बैलेट बॉक्स, अब तो बैलेट बॉक्स नहीं, ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन है, बूथ पर कब्जे हो जाते हैं, तब आपके समय भी ऐसे हालात होते थे? ना, ऐसा नहीं था, इतना नहीं था, गड़बड़ तो हो जाती थी थोड़ी बहुत छोटी मोटी, लेकिन इतना नहीं था जितना आजकल ये ईवीएम मशीन को भी जो कैप्चर कर लेते, ये नहीं था उस समय। एक दूसरा, आजकल शराब का चलन बहुत ज्यादा हो गया, जो मतदाता है उनको प्रभावित करने के लिए कभी शराब, साड़ी, सूट, पैसा, ये नकदी, ये सब देना पड़ता है, देते भी हैं। आप क्या मानते हैं कि ये देश नहीं गति की ओर जा रहा है? नहीं, ये गिरावट की तरफ जा रहा है, देश गिरावट की तरफ जा रहा था। मतदाता आज का भटक रहा है अच्छे रास्ते से, सही रास्ते, ईमानदारी के रास्ते से भटकता जा रहा है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए खतरनाक है। डॉक्टर साहब, जब चुनाव हुए थे, आपके समय चुनाव होते थे, सोशल मीडिया नहीं था, आपका प्रचार के साधन भी उतने नहीं थे जितने आज हैं। आज तो सोशल मीडिया आ गई है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और दूसरे तरीकों से भी। जब आपका प्रचार होता था तो संपर्क करने के साधन भी सीमित थे, कैसे कर पाते थे अपना? वो सीमित ये था कि हमारे पंचायतों से जो है वो प्रचार हुआ करता था, गांवों की पंचायत हुआ करती थी, उनसे मतलब जो है उसके कैंडिडेट के हक में फैसला करते थे। उस समय ये प्रचार के साधन इतना नहीं था जितना कि आजकल जो प्रचार के साधन बनते जा रहे हैं, ये नहीं था उस समय। उस समय तो पंचायतों से मतलब जो है वो सिस्टम था एक वोट देने का, फैसला करने का अच्छे कैंडिडेट के बारे में, ये सिस्टम था उस समय। डागर साहब, एक सवाल हो रहा है कि भुरेरपाल की तरफ से हर बार चुनाव के लिए, चुनाव के दौरान क्लेम किया जाता है टिकट के लिए जी, मुख्य पार्टियों से जी, जैसे इन लोग कांग्रेस, बीजेपी, क्या इस बार भी आपकी तरफ से, डागरपाल की तरफ से दावा रहेगा?
हमारी बुढ़ेर मंडल की तरफ से डागर पार की तरफ से क्लेम करेंगे हम कैंडिडेट के लिए। देखिए यहाँ से नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, बहुत समय हो लिया, 30-40 साल हो गए हमारे बुढ़ेर मंडल को यहाँ से नुमाइंदगी नहीं मिली, और उधर से बनता है वो साइड से ही बनता है, जो एक बैलेंसिंग पावर नहीं है हल्के की, क्योंकि अब ये देखो ना कि यहाँ से बनाई नहीं है कोई बुढ़ेर से बहुत दिन हो गए, मैं ही बना था उस समय, बहुत समय पहले, उसके बाद में नुमाइंदगी मिली नहीं है यहाँ से। तो कौन सी पार्टी से आप लोग ज्यादा क्लेम करना चाहेंगे, कौन सी पार्टी से आपको भा रही है? अब जो पार्टी हमारी हमारी क्लेम को जो है मानेगी, और ज्यादातर हम विश्वास ये करते हैं कि बीजेपी हमें जो जो हमें संभाले, हमारे हल्के को संभाले और यहाँ की नुमाइंदगी बनावे। अगर बाय द वे बीजेपी आपकी बुढ़ेरपाल को टिकट नहीं देती है जी, तो आपकी बुढ़ेरपाल क्या करेगी? बुढ़ेरपाल ये बिखर जाएगी और नुमाइंदगी पता नहीं कहाँ चली जाएगी हल्के की, अच्छे रास्ते पे अच्छी जगह नहीं गिरेगी। अच्छा, ये अपील तो कर सकते हैं कि 12 मई को मतदान जरूर करें। हाँ, ये करूंगा कि वोट डालें। चलिए, ये हमारे वोट डालें 12 मई को जरूर डालें। चलिए, हमारे पूर्व विधायक रामजीलाल डागर, उन्होंने 12 मई के लिए कहा कि मतदान जरूर करें, किस पार्टी के पक्ष में मतदान करें लोकसभा के लिए, ये उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय रुक कर विचार करके फैसला दूंगा कि किस पार्टी के प्रति मतदान करना है, और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने क्लेम किया है कि बुढ़ेरपाल की तरफ से हमें प्रतिनिधित्व चाहिए।